आपने छोड़ दी थी कोडिंग? मैंने छोड़ दी थी, मैंने बस बेसिक बेसिक सा ऊपर का लिख दिया था। अच्छा, तो मतलब हो गया सिलेक्शन। हाँ, ये कॉलेज के लोग हैं और इनको डीएसए से बहुत डर लगता है। इसमें इवन बीटेक या फिर कंप्यूटर बैकग्राउंड की भी जरूरत नहीं है। अच्छा, मुझे पता भी नहीं था कि क्या क्या प्रोफाइल होता है एक्चुअली बताऊं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में। अब फॉर एग्जांपल हमारा लैपटॉप का परचेजिंग बिहेवियर एक पैटर्न पता चला हमें डेटा से। अब वो नेक्स्ट मंथ में क्या सेल्स रहेगी लैपटॉप की? कोविड का टाइम था और वो ऑफिस से काम करने को बुला रहे थे और 6 days a week था। अच्छा, उनका तो वहाँ मैं करता तो सब कुछ था लेकिन मुझे मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। हाय एवरीवन, तेर आज मेरे साथ आशुतोष हैं जिन्होंने अपनी जर्नी की शुरुआत करी थी एज अ टेस्टर इन विप्रो, उसके बाद स्विच किया डेटा एनालिस्ट प्रोफाइल में, देन डेटा साइंटिस्ट और एज अ डेटा इंजीनियर भी काम किया हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें आज हमें जानने को मिलने वाली हैं आशुतोष से। तो सबसे पहले ना आशुतोष, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि डेटा की ना बहुत सारी प्रोफाइल्स हैं, हमें एक बार उनकी पिक्चर्स क्लियर कर दो आप कि प्रोफाइल्स में क्या क्या होता है और कौन सी प्रोफाइल्स हैं। तो डेटा की 3 प्रोफाइल्स है, डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर और डेटा साइंटिस्ट। आपने तीनों पे काम किया है? हाँ, मैंने तीनों पे काम किया है। तो मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। तो जैसे डेटा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक ई कॉमर्स स्टोर का एग्जाम्पल ले रहा हूँ जिसपे बहुत सारा लोग परचेज कर रहे हैं चीज़ों को। हाँ। और वो हर समय डेटा कलेक्ट हो रहा है, उनके एज से रिलेटेड उनका ट्रांजेक्शन डिटेल्स, उनके परचेजिंग बिहेवियर का डेटा, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। उन सारे डेटा को रियल टाइम में प्रोसेस भी हो रहा है और उसको कहीं स्टोर कर रहे हैं। अच्छा। और उस और वो बहुत बड़ा डेटा होता है इनफैक्ट। हाँ, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। हाँ, जैसे अमेजोन पे इतनी परचेज हो रही है फॉर एग्जांपल, तो कितना डेटा होगा, बिलियंस ऑफ डेटा पॉइंट्स होंगे। करेक्ट। अब इसको तो हम नॉर्मल किसी टूल से प्रोसेस नहीं कर सकते, तो ये जो डेटा इंजीनियर्स होते हैं ये इनको अपनी बिग डेटा स्किल्स यूज करते हैं और उससे उसको प्रोसेस करके एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में लाते हैं। अच्छा, तो डेटा इंजीनियर्स का काम हो गया इस डेटा को कलेक्ट करना, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में कलेक्ट करना, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में कलेक्ट करना। ठीक है। तो अब जब ये डेटा आ गया कंपनी के पास स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में, तो वो चाहेंगे कुछ इस पर बेसिक एनालिसिस करें। हाँ। जैसे कि किस एरिया में, फॉर एग्जांपल इंडिया या सिंगापुर में या यूरोप में कितनी सेल्स है। हाँ। इस महीने की कितनी सेल्स है, तो ये सब जो बेसिक एनालिसिस कर रहा है और फिर उस पर रिपोर्ट्स बना के दे रहा है, ही इज अ डेटा एनालिस्ट। डेटा एनालिस्ट का काम हो गया कि उस डेटा को जो कलेक्टेड बाय डेटा इंजीनियर है उसको एनालाइज करना, राइट, उसको विजुलाइज करना। करेक्ट। ओके। और ये विजुलाइज हो गया, अब उस डेटा का क्या सेंस बनाएंगे, तो वो फिर कंपनी में आती है पोजीशन डेटा साइंटिस्ट की। अब वो प्रीवियस जो इतना बड़ा हमारे पास डेटा है इससे पैटर्न्स ढूंढता है, उसमें पैटर्न्स ढूंढता है यूजिंग मैथमेटिकल एल्गोरिदम्स। अच्छा। कि फॉर एग्जांपल अब नेक्स्ट मंथ में क्या प्रेडिक्शन होगा, क्या सेल्स का फोरकास्ट है। अब फॉर एग्जांपल हमारा लैपटॉप का परचेजिंग बिहेवियर एक पैटर्न पता चला हमें डेटा से, अब वो नेक्स्ट मंथ में क्या सेल्स रहेगी लैपटॉप की, तो इसका फायदा ये होगा कंपनी को कि कंपनी उस उनके पास जो सेल्स फोरकास्ट होगा नेक्स्ट मंथ का, उसके बेसिस पे अपना स्टॉक वो इन्वेंटरी बना करके रखेगा, रख लेगी कि अगले महीने बहुत ज्यादा सेल्स आने वाले हैं तो कलेक्ट करके रखो। हाँ, या फिर जैसे बिग बिलियन डे हो गया। हाँ। वो कब लॉन्च करना है, ये एक इम्पॉर्टेंट उसको वो डिसीजन मेकिंग जहाँ होता है कि वो सारे मंथ का डेटा एनालाइज करेंगे, फिर देखेंगे परचेजिंग बिहेवियर लोगों का कितना, किस मंथ में सबसे अच्छा है और उस मंथ में वो डिस्काउंट उस पर देंगे। तो ये जो डिसीजन मेकिंग जो टास्क है ये डेटा साइंटिस्ट का होता है। अच्छा। और ये तीनों प्रोफाइल्स आपस में आप जानते हो जैसे एग्जांपल के थ्रू सारे बहुत एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट प्रोफाइल्स हैं। तो ऐसा भी होता है कि कभी ये लोग आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं प्रोफाइल्स और काम करते रहते हैं। अच्छा, मतलब स्विच भी करा जा सकता है। हाँ, जैसे कि आपने किया तीनों प्रोफाइल में। करेक्ट। राइट। ऑसम ऑसम। ठीक है, तो आपने बहुत अच्छे से तीनों प्रोफाइल के बारे में हमें बताया। अब कुछ ना सवाल होते हैं फ्रेशर्स के, हम आपकी जर्नी पे आएंगे, कुछ फ्रेशर्स के सवाल होते हैं तो उनका यहाँ पर हमें आंसर चाहिए। सबसे पहली चीज, क्या फ्रेशर्स इन तीनों प्रोफाइल में आ सकते हैं? ऑफकोर्स आ सकते हैं, और इसमें इवन बीटेक या फिर कंप्यूटर बैकग्राउंड की भी जरूरत नहीं है। अच्छा, मतलब तीनों प्रोफाइल में कंप्यूटर बैकग्राउंड, मतलब मैं बोलूँगा डेटा एनालिस्ट प्रोफाइल कंप्यूटर बैकग्राउंड की जरूरत भी नहीं है। ओके। और आजकल फ्रॉम पीपल फ्रॉम स्टैट्स, पीपल फ्रॉम मैथमेटिक्स, वो भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं इन प्रोफाइल में, जैसे डेटा साइंटिस्ट हो गया या डेटा एनालिस्ट हो गया, क्योंकि उनका एक मैथमेटिकल बैकग्राउंड है। इवन बीएससी जो करके है या फिर जो फाइनेंस में जिन्होंने काम किया है, दे कैन बी अ गुड डेटा एनालिस्ट। तो ऐसे मैं बोलूँ कि एक समराइज वे में, जो कोडिंग जिनको काफ़ी पसंद है, बहुत पसंद है उनको कोडिंग और वो कॉम्प्लेक्स कोड्स उनको लिखना ज़्यादा पसंद है, ऑप्टिमाइज करके कॉम्प्लेक्स कोड को, दे कैन गो फॉर डेटा इंजीनियर। ओके। क्योंकि उसमें काफ़ी कोडिंग रिक्वायर्ड है। ओके। और जिनको नहीं पसंद हो, क्योंकि ज़्यादा जनता वो होती है जिनको नहीं पसंद है, दे कैन गो फॉर डेटा एनालिस्ट। अच्छा, उसमें कोडिंग की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। कोडिंग की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, इट्स मोर लाइक क्रिएटिंग अ रिपोर्ट इन एक्सेल, अब उसी को आप एक्सेल की जगह आप टेबल्यू पे कर दो या पावर बीआई पे कर दो। हाँ। एंड व्हाट अबाउट डेटा साइंटिस्ट? डेटा साइंटिस्ट वही लोग हैं जिनको मशीन लर्निंग, मैथमेटिक्स,
प्रेडिक्शंस, मैथमेटिकल एल्गोरिदम से कुछ प्रेडिक्ट करने में अच्छा लग रहा है, तो उनके लिए डेटा साइंटिस्ट काफ़ी अच्छा है। उसमें कोडिंग की रिक्वायरमेंट है, बट डेटा एनालिस्ट से थोड़ी ज़्यादा कोडिंग चाहिए और डेटा इंजीनियर से थोड़ी कम कोडिंग चाहिए, बीच बीच का। ठीक है ठीक है ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, मैंने ये सुना है कि पाइथन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है काफ़ी सिंपल सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हाँ, वो तीनों में चाहिए होती है, राइट? हाँ, और डेटा एनालिस्ट में पाइथन की जगह आप आर भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, आर भी यूज़ कर सकते हैं, बट हाँ पाइथन तीनों में चाहिए होता है, थोड़ा सा मतलब प्रोग्रामिंग चाहिए। चाहिए, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो में मजा आ रहा होगा। अब यार आगे बढ़ने से पहले लेट अस टॉक अबाउट ओडिन स्कूल्स डेटा साइंस बूट कैंप। डेटा साइंस इज एन इमर्जिंग फील्ड जिसकी डिमांड डेली बढ़ती जा रही है, और इसमें एंटर करना भी इतना मुश्किल नहीं है। यू डोंट नीड अ कंप्यूटर साइंस डिग्री फॉर दैट। आप लोगों को एक अच्छा सा करिकुलम चाहिए एंड यू नीड अ गुड प्लेसमेंट सपोर्ट। सो ओडिन स्कूल्स ऑफर्स यू अ 6 months बूट कैंप जहाँ पर आपकी लाइव क्लासेज होंगी, एक डिटेल्ड अपडेटेड करिकुलम फॉलो होगा, एंड देन एट द एंड यू हैव अ वेरी गुड प्लेसमेंट सपोर्ट, जिसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। तो यार बूट कैंप का जो करिकुलम है वो काफ़ी सिंप्लीफाइड है, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने कभी कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ी है, कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास 11, 12 में मैथमेटिक्स भी नहीं होती, एंड दे वांट टू स्विच देयर करियर फ्रॉम लेट्स से नॉन आईटी जॉब टू डेटा साइंस। तो ये करिकुलम उन लोगों के लिए भी काफ़ी सिंप्लीफाइड है। अलॉन्ग विद दैट यू हैव लाइव क्लासेस एंड यू हैव मेंटरशिप सपोर्ट, तो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स जो होते हैं, फ्रॉम दैट यू विल गेट पर्सनलाइज मेंटरशिप। Along with live classes, you will be building projects. आप लोग project पे काम कर रहे होंगे, project बना रहे होंगे, so that you have that data science portfolio ready by the end of the bootcamp. सबसे बढ़िया चीज़ जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, that is placement support. So यहाँ पर 500 plus hiring partners हैं which hire from Odin School. So you can appear for as many interviews as you want. यहाँ पर कोई cap नहीं है to the number of interviews that you can appear. आप लोगों को बस अच्छे से अपना curriculum follow करना है, अच्छे से अपना bootcamp करना है, and then be ready for the interviews. तो यार ओडिन स्कूल ने बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट लगवाई है, बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स को करियर स्विच करने में हेल्प करी है, एंड दे ऑल्सो नेगोशिएट विद द कंपनीज ऑन योर बिहाफ। तो बहुत सारे लोगों को हाइक भी दिलवाया है, अप टू 230%। तो डेफिनेटली चेक इट आउट, आई हैव प्रोवाइडेड द लिंक इन डिस्क्रिप्शन, आप लोग वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं डिटेल्ड करिकुलम। बाकी यार यहाँ पर एक अर्ली बर्ड डिस्काउंट है 10,000 का, एंड देर आर स्कॉलरशिप्स अप टू 30,000। दे ऑल्सो प्रोवाइड यू एन EMI ऑप्शन एंड 10 days रिफंड पॉलिसी एज वेल। काफ़ी सारी सक्सेस स्टोरीज ओडिन स्कूल ऑलरेडी दे चुका है, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, बाकी यू कैन गो एंड चेक इट आउट। अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन कि लेट्स से कोई एंटर करना चाहता है इन तीनों प्रोफाइल में, वो सैलरीज भी कंपेयर करेगा, तो सैलरी का कंपेरिजन बताइए, क्या तीनों में इक्वल सैलरीज होती हैं या फिर अलग अलग सैलरीज मिलती हैं? सैलरीज अलग अलग होती है तीनों में। अगर मैं फ्रेशर की बात करूँ तो एक डेटा एनालिस्ट को इंडिया में 3-5 एक एवरेज में मान के चलो तो, और डेटा साइंटिस्ट और डेटा इंजीनियर का सैलरी काफ़ी कंपेरेबल होता है। तो डेटा साइंटिस्ट और डेटा इंजीनियर का अगर इंडिया में बात करें तो 8, अगर फ्रेशर है तो 8-10 ये हो सकता है। मतलब स्टार्टिंग रेंज बता रहे हो, स्टार्टिंग रेंज यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। बिकॉज आई हैव सीन पीपल जिन्होंने एज अ डेटा एनालिस्ट भी 8 lakhs का पैकेज क्रैक किया है अच्छी कंपनीज में, एंड डेटा साइंटिस्ट डेटा इंजीनियर भी काफ़ी अच्छे अच्छे पैकेज मिल जाते हैं, 20 रेंज में मिल जाते हैं, इट्स अ गुड कंपनी। सो यस, मतलब बेसिकली कंपैरिजन अगर किया जाए तो सबसे जो ज्यादा सैलरी से मिलती है दैट इज डेटा साइंटिस्ट, राइट? डेटा साइंटिस्ट एंड डेटा इंजीनियर कंपैरेबल है, हां 19-20 का फर्क है बस। देन कम्स डेटा एनालिस्ट की प्रोफाइल, हां राइट, जितना एफर्ट है भाई उतने ज्यादा पैसे मिलेंगे ऑब्वियसली, करेक्ट। अब यार थर्ड क्वेश्चन, ओपनिंग्स किस प्रोफाइल में ज्यादा होती हैं, किस प्रोफाइल में कम होती हैं? ओपनिंग्स की अगर बात की जाए तो डेटा साइंटिस्ट एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड प्रोफाइल है, उसके लिए मतलब काफ़ी मतलब एक टीम की अगर मैं सैम्पल साइज लूँ एक टीम का जिसमें 10 लोग हैं, तो उसमें 1-2 डेटा साइंटिस्ट होंगे और 3-4 डेटा एनालिस्ट होंगे, 3-4 डेटा इंजीनियर्स होंगे। अच्छा, डेटा इंजीनियर एंड डेटा एनालिस्ट के लगभग लोग ट्वाइस होते हैं डेटा साइंटिस्ट। हाँ, okay. और क्योंकि जो स्टार्टिंग में जो एक डेटा पाइपलाइन हमने डिस्कस किया था, तो स्टार्टिंग से जो डेटा कन्वर्ज होते जा रहा है तो एंड तक वो काफ़ी उसकी जो नंबर होते हैं कम हो जाते हैं, तो स्टार्टिंग में काफ़ी लोग चाहिए हमें। ओके, डेटा इंजीनियरिंग में काफ़ी लोग चाहिए, देन डेटा एनालिस्ट एंड डेटा साइंस में आते थे कम हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि डेटा साइंटिस्ट को एक काफ़ी सोफिस्टिकेटेड डेटा मिल रहा है, हाँ, जो कि प्रोसेस्ड है, रिफाइंड है, प्रोसेस्ड है, यू जस्ट नीड टू डू प्रिडिक्शंस बेस्ड अपॉन दैट डेटा, राइट? चलो ठीक है, सो मेक सेंस। बाकी अब आपकी जर्नी पे थोड़ा सा आते हैं, तो आपने बताया आपने एक Tier 3 कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। अच्छा, वैसे आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं बिहार से हूँ, सीतामढ़ी एक जगह है नेपाल बॉर्डर के पास, तो वहीं से हूँ। अच्छा, नाइस। तो आपने एक Tier 3 कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन करी, उसके बाद आपने विप्रो ज्वाइन किया। आपने बताया कि आपने कोडिंग नहीं करी थी अपने कॉलेज में, राइट? जस्ट आपने क्या कौन सी मैटलैब करी थी, मैटलैब की थी जो कि कोर्स में रिक्वायर्ड था। सो विप्रो में कैसे एंटर किया, बिकॉज विप्रो में तो लाइक कोडिंग मांगते हैं। विप्रो में जो हमारा टेस्ट हुआ था MCAT के थ्रू हुआ था, तो उसमें मैथ्स और इंग्लिश और रीजनिंग थी और थोड़ी कोडिंग थी, बट उसका वेटेज नहीं था इतना। तो आपने छोड़ दी थी कोडिंग? मैंने छोड़ दी थी, मैंने बस बेसिक सा ऊपर का लिख दिया था। अच्छा, तो मतलब हो गया सिलेक्शन। हाँ, क्योंकि हमने बस एक सी पढ़ा था, वो भी फर्स्ट ईयर में, सब्जेक्ट में जो होता है। ठीक है, DSA वगैरह नहीं करा था आपने? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। यहाँ पर बंदे DSA से बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, मतलब मेरी जो ऑडियंस है जो यहाँ पर देख रहे हैं,
ये कॉलेज के लोग हैं और इनको DSA से बहुत डर लगता है. तो देर आर ऑप्शंस, इवन इफ यू आर नॉट कम्फर्टेबल विद DSA, देर आर मल्टीपल ऑप्शंस इन द मार्केट फॉर यू. तो ज़रूरी नहीं है कि आपको भी सबकी तरह यहीं पर घिसना है, ठीक है. अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे उसके ऊपर भी. तो फिर आपने विप्रो ज्वाइन कर लिया, विप्रो में 3 महीने का आपका ट्रेनिंग होता है, राइट. उसके बाद फिर आपको कौन सी प्रोफाइल मिली? तो ट्रेनिंग तो हमारी हुई थी जावा में. मुझे पता भी नहीं था कि क्या क्या प्रोफाइल होता है एक्चुअली बताऊँ तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में. हाँ. मैं तो बस एक प्लेसमेंट हुआ था और हाँ. चला गया. हाँ. और उस समय फिर जावा में ट्रेनिंग हुई और मुझे टेस्टिंग प्रोफाइल दे दिया. अच्छा, टेस्टिंग प्रोफाइल दे दिया. हाँ. टेस्टिंग के बारे में आपको नहीं पता था कि ये प्रोफाइल एग्जिस्ट करती है? हाँ, मुझे पता भी नहीं था. ओके, तो क्या किया आपने टेस्टिंग में? टेस्टिंग में हमारा परफॉर्मेंस टेस्टिंग एंड ऑटोमेशन टेस्टिंग था. तो मैंने परफॉर्मेंस पे थोड़े दिन काम किए, जिसमें कि होता है कि कितने यूजर्स ने किसी वेबसाइट को हिट किया, तो इसका लोड टेस्ट करना, इसका क्रैश टेस्ट करना. क्रैश तो नहीं हो रही है वेबसाइट? हाँ, क्रैश तो नहीं हो रही है. तो एक बैंकिंग कंपनी थी UK की. अच्छा. उसके लिए काम किया था. तो मज़ा आया प्रोफाइल में? और बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा वो काम, क्योंकि वो मतलब मेरे जो भी मैंने पढ़ा था उससे बिल्कुल भी रिलेवेंट नहीं था. और जब मीटिंग्स होती थी उसमें ऐसे बड़े बड़े टर्म्स यूज, उस समय CI/CD काफ़ी चल रहा था, मुझे अच्छा. बिल्कुल भी पता नहीं था. तो लोग जेनकिंस बोलते थे, जीरा बोलते थे, और मुझे कुछ पता ही नहीं पड़ता था कि वो हो चल क्या रेस्प्लंक बोलते थे, मुझे कुछ भी नहीं पता पड़ता था. तो मैं काफ़ी बोर हो गया था उसमें काम करते करते. अच्छा, फिर आपने क्या सोचा, मतलब स्विच करने का सोचा कंपनी या फिर प्रोफाइल स्विच करने का सोचा? तो मैं तो अभी नया नया विप्रो में ज्वाइन किया था, एक बॉन्ड भी था. और उस समय कितना बॉन्ड होता है विप्रो का? 1 साल का होता है. तो 1 साल से पहले अगर छोड़ा तो क्या होगा? पैसे पे करने होते हैं, पैसे देने. हाँ, 1 लाख के आसपास ऐसा कुछ होता है. अच्छा अच्छा. हाँ. और 3 महीने का नोटिस पीरियड भी सर्व करना पड़ता है. 3 महीने ये दिक्कत तो है. बहुत सारे लोग मेरे से बोलते हैं कि भैया हम सर्विस कंपनी ज्वाइन कर लें, लेकिन बॉन्ड होगा हमारा 1-1.5 साल का. सो ठीक है, मतलब तो आपने स्विच का नहीं सोच पाया? स्विच का नहीं सोया. हाँ, और मेरे पास कुछ पता भी नहीं था उस समय. मैं बताऊँ तो इंटरनेट पे या फिर कहीं भी इतना इजी नहीं था स्विच करना, बिकॉज ऑफलाइन इंटरव्यूज होते थे. हाँ. और लो, इंटरनेट पे मटेरियल भी इतना उपलब्ध नहीं था. हाँ हाँ, सही बात है. 2016-17 में इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टाइम. अभी जैसा नहीं था कि ऑफलाइन में वर्चुअल हो रहा है, हमें जाना पड़ता था. ओके. तो प्रोफाइल तो उस समय तो मुश्किल ही था. ओके. आपने जब विप्रो ज्वाइन किया था तो आपका CTC भी वही था क्या, 3.5 LPA? करेक्ट, वही 3.5. अभी वही है 2016 से. हाँ. हम लोग यहाँ पर 2023 में पहुंच चुके हैं, लेकिन वो CTC स्टार्टिंग का चेंज नहीं हुआ है. इसमें कोई इन्फ्लेशन का कुछ काम दिखा नहीं, इन्फ्लेशन का कुछ इंक्रीमेंट नहीं दिखा. हाँ. ठीक है, तो फिर आपने फिर स्विच करने का सोचा अपनी प्रोफाइल को, राइट, विद इन द सेम कंपनी. हाँ. ठीक है, तो आपने कैसे सर्च वगैरह किया इसके बारे में? तो मैं देख रहा था कि एक दिन जॉब स्क्रॉल कर रहा था अपने इंटरनल वेबसाइट पे जो विप्रो की होती है. तो उस पर एक ओपनिंग थी फॉर वीज़ा, जो कि एक फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है. उसमें एक ओपनिंग थी डेटा एनालिस्ट के लिए. अच्छा. तो उस पर जो प्रोफाइल्स थे वो थे, मतलब जो स्किल्स चाहिए होते थे वो थे पाइथन. ओके. और स्टैट्स, बेसिक स्टैट्स, बेसिक स्टैट्स और पावर BI या कोई विजुलाइजेशन टूल. तो मुझे ये प्रोफाइल इंटरेस्टिंग लगी, क्योंकि जो बेसिक स्टैट्स होता है वो मतलब ऑलमोस्ट सभी को ही पता होता है, 10-12 तक का जो होता है बेसिक स्टैट्स. हाँ, वही मीडियन मोड, बस आउटलायर्स देखना डेटा में. ठीक है. हाँ, तो ये मुझे लगा कि कुछ रिलेवेंट है. Okay. और फिर मैंने अप्लाई कर दिया मेरा. हाँ, तो ये जो आपने चीज़ें बताई हैं हमें, एक बार दोबारा से लिस्ट डाउन करते हैं. SQL हो गया, राइट. हाँ, डेटा एनालिस्ट के लिए SQL, पाइथन या R में से एक, कोई विजुअलाइजेशन टूल जैसे पावर BI हो गया या W हो गया. ठीक है. और बेसिक स्टैटिस्टिक्स. ठीक है, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें आपने फॉर इंटरव्यू आपने प्रिपेयर करी थी, या फिर आपको पहले से तो नहीं आता होगा फॉर श्योर टैबलो? हाँ, मतलब टैबलो पावर BI तो नहीं आता था, बट ये मुझे बेसिक स्टैट्स पहले से आती थी. ठीक है. और इसमें एक और चीज़ होती है SQL तो आपने बता दिया. Excel. हाँ, Excel भी रिक्वायर्ड होती है? Excel भी होती है. तो ठीक है. हाँ, Excel तो होती है. ठीक है, तो आपने इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करी ये सारी चीज़ें. हाँ. अच्छा अच्छा, मेरे को बताओ, जैसे मान लो कि मुझे कोडिंग बिल्कुल नहीं आती है. हाँ, ठीक है. हाँ. और अगर मैं इन सब चीज़ों को प्रिपेयर करना चाहता हूँ फॉर डेटा एनालिस्ट रोल, तो मुझे कितना टाइम लग जाएगा लगभग पावर BI करने में और SQL सीखने में? अगर आप एक अच्छे लेवल पे जाना चाहते हो तो 2-3 महीना काफ़ी है. 2-3 महीना काफ़ी है? हाँ. अगर मैं डेडिकेशन से पढ़ाई कर लूँ. हाँ, हाँ, इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी है. करेक्ट. मुझे तो ज़्यादा टाइम नहीं मिला था, मुझे तो 15-20 दिन मिला था. कर लिया था आपने? हाँ, मैंने कर लिया था. ओके. फिर आपका इंटरव्यू हुआ एंड देन यू क्रैक द इंटरव्यू फॉर दिस रोल? हाँ. ऑलराइट. फिर जब आपने अपनी प्रोफाइल चेंज करी बीइंग अ डेटा एनालिस्ट, आपने किस चीज़ पे काम किया? वहाँ पे फाइनेंशियल्स जो ट्रांजैक्शंस थी उसके डेटा को, जो वीज़ा का था उसके डेटा को हमें विजुलाइज कराना था रिपोर्ट पब्लिश करके पावर BI पे. और उसका बेसिक स्टैट्स जो काउंट होता है ना, या सम या मीन उसका, तो वो सब हमें करना था यूजिंग लिटिल बिट ऑफ पाइथन और पावर BI और बेसिक स्टैटिस्टिक्स. ये 3 स्किल हम वहाँ पे यूज़ कर रहे थे. गॉट इट. इस काम में मज़ा आ रहा था?
हाँ ये इंटरेस्टिंग काम था. ऑल राइट ठीक है. फिर आपने डेटा एनालिस्ट से डेटा साइंटिस्ट में स्विच किया राइट. तो ये काफ़ी बड़ा स्विच है. अब सबसे पहली चीज़ तो बीइंग अ डेटा साइंटिस्ट आपको कौन सी चीज़ रिक्वायर्ड होती है. हाँ तो डेटा साइंटिस्ट के लिए तो अब जो स्टैटिस्टिक्स होती है वो बेसिक रिक्वायर्ड नहीं होती, वो इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल की होती है जिसमें इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स और हाइपोथेसिस टेस्ट और ये सब होती है. उसके बाद से लीनियर अलजेब्रा चाहिए. अब सारी लीनियर अलजेब्रा नहीं पढ़नी, वो मतलब एक पिक पिक करके टॉपिक्स पढ़नी है. ओके कैलकुलस भी चाहिए होता है, वो भी सारी सेलेक्टेड टॉपिक्स. सेलेक्टेड टॉपिक्स ये क्या इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन चाहिए होता है क्या इसमें? नहीं इतना नहीं चाहिए. इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बहुत ही बेसिक चाहिए जो सबको पता होता है, 12th तक सबने पढ़ा होता है. अच्छा अच्छा. हाँ मैंने कहा कि फिर तगड़ा वाला मैथमेटिक्स लग रहा हो इसमें. मतलब 12th का जो भी सिलेबस है प्रोबेबिलिटी थ्योरी ये सब आनी चाहिए ठीक है. बाकी अगर मैं लैंग्वेज की बात करूँ तो डेटा साइंटिस्ट में भी तो पाइथन ही चल रहा है हर जगह. हाँ आर भी करते हैं पर आर में इतनी टूल्स नहीं है, लाइब्रेरीज नहीं है, सपोर्ट नहीं है बेसिकली आर का इतना. तो पाइथन अभी सबसे टॉप पे चल रहा है लैंग्वेज में डेटा साइंस के लिए. बाकी मशीन लर्निंग आनी चाहिए उसको, डीप लर्निंग आनी चाहिए, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आनी चाहिए. गॉट इट. अच्छा आप एक बार बताइए जब आपने स्विच की थी अपनी प्रोफाइल तो सैलरी वैलरी बढ़ी थी आपकी? नहीं कोई सैलरी नहीं बढ़ी, मैं तो बस लर्निंग के लिए स्विच किया था. तो टेस्टिंग से डेटा एनालिस्ट भी सैलरी नहीं बढ़ी और डेटा एनालिस्ट से डेटा साइंटिस्ट भी सैलरी नहीं बढ़ी? कुछ नहीं. हाँ तो ग्रोथ क्या होती है मतलब विप्रो में कितना परसेंटेज आपका ग्रोथ होता है? जो एक स्टैंडर्ड होता है वही होता है चाहे आप काम कुछ भी कर लो. ओके व्हेन यू एंटर्ड इट वाज 3.5 एंड आपने 4 साल यहां पर काम किया. व्हेन यू एग्जिट तब कितना था? मेरा 6 हो गया था. 6 हो गया था. ओके ओके ठीक है. 2.5 के आसपास बढ़ गया. ठीक. तो बीइंग अ डेटा साइंटिस्ट आपने किन किन चीज़ों पर काम किया फिर? तो मैं जब वहाँ विप्रो में था तो वहाँ डेटा साइंटिस्ट का टीम में ही आपस में, क्योंकि आप जानते हो जैसे कि डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर और डेटा साइंटिस्ट ये तीनों प्रोफाइल काफ़ी इंटर रिलेटेड है तो जो टीम बनती है तो ये सब साथ ही होते हैं. तो वहाँ पे एक काम आया था न्यूरल नेटवर्क से रिलेटेड. अच्छा. तो मैंने लास्ट ईयर में अपने न्यूरल नेटवर्क पढ़ा था और वो फाइनल ईयर ऑफ कॉलेज में. हाँ हमारा सब्जेक्ट था तो काफ़ी रिलेटेड लगी ये चीज़. हमने उसको थ्योरेटिकली पूरा पढ़ा था पर एग्जीक्यूशन नहीं किया था कभी. अच्छा. हाँ पर थ्योरेटिकल नॉलेज था. तो फिर धीरे धीरे मैंने काम पिकअप करना शुरू किया, साथ में डेटा साइंटिस्ट थे बहुत सारे और फिर इस पर काम करता चला गया. और वहाँ से फिर मैंने विप्रो में प्रॉपरली डेटा साइंस का अपना काम शुरू कर दिया. वहाँ से फिर मैं एक एडवांस एनालिटिक्स लैब है विप्रो में जो कि 2016-17 में थी, क्योंकि उस समय डेटा साइंस इतना हो नहीं रहा था तो उन्होंने इस्टेब्लिश किया था कि इस फील्ड को हमें और आगे जाना है. अच्छा अच्छा. तो वहाँ पे भी मेरा इंटरव्यू हुआ था और वहाँ मैं सिलेक्ट हुआ था. गॉट इट. हाँ तो वहाँ पे फिर काफ़ी डेप्थ में डेटा साइंस का काम किया. ओके लगभग कितने साल? एडवांस एनालिटिक्स लैब में करीब मैं 2.5 साल काम किया. अच्छा. हाँ ठीक है. आपने मुझे बताया था कि बीच में आपने डेटा इंजीनियरिंग की भी प्रोफाइल पिक करी थी, मतलब एनालिस्ट पे काम कर लिया, बीइंग अ साइंटिस्ट काम कर लिया. सो एक बार डेटा इंजीनियर बन के भी देख लेते हैं. सो वो कौन सा इंसिडेंट था? वो भी मेरा जब मैं लैब में था तो एक जापानीज कंपनी थी इंश्योरेंस की, ज्यूरिख इंश्योरेंस करके, तो उसका काम था. तो उसमें क्या था कि कोई था नहीं हमारी टीम में बंदा. अच्छा. जो उनका डेटा बहुत बड़ा डेटा था. हाँ. बिलियंस ऑफ रोज थे. अच्छा. तो कोई था नहीं तो हमने बोला कि हम ही कर लेते हैं फिर, क्योंकि करना तो था वो काम. तो हाँ. मैंने फिर पिकअप किया उसको और यूजिंग क्लाउड, एज्योर क्लाउड का, क्लाउड की सर्विसेज को यूज़ करके और थोड़ा बहुत पाइस्पार्क यूज़ करके, और फिर उसके बाद से वो प्रोजेक्ट किया डेटा इंजीनियर का. ठीक है. हमने डेटा एनालिस्ट के बारे में प्रॉपरली देख लिया कि क्या क्या चाहिए होता है ना. करेक्ट. डेटा साइंटिस्ट के बारे में भी हमने लगभग देख लिया. इज देयर एनीथिंग लेफ्ट फॉर डेटा साइंटिस्ट? की कुछ और आपके स्टैक में चाहिए आपको? आपने मुझे बताया कि आपको लैंग्वेज चाहिए. हाँ. राइट. एंड देन आपको एडवांस स्टैटिस्टिक्स चाहिए, कैलकुलस चाहिए. करेक्ट. एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम दिस? आई थिंक ये जो हमने लिस्ट डाउन किए वही. ओके काफ़ी. अब डेटा इंजीनियर का भी बता दीजिए एक बार, कौन सी चीज़ें आपको चाहिए होती हैं? हाँ मतलब डेटा इंजीनियर में अभी तो पाइथन तो चाहिए चाहिए डेटा की सारी प्रोफाइल. पाइथन तो सब में कॉमन. हाँ हाँ. उसके बाद स्ट्रक्चर डेटा के लिए सीक्वल. ठीक है. और अनस्ट्रक्चर डेटा के लिए कोई नो सीक्वल जैसे मोंगोडीबी हो गया. ठीक है. और एक बिग डेटा प्रोसेसिंग लैंग्वेज चाहिए जैसे कि स्काला, पाइस्पार्क. तो पाइस्पार्क पाइथन से ही डेराइव्ड है. अच्छा. तो उनके जो काफ़ी कोड्स है वो सिमिलर है पाइथन के थ्रू. और स्काला एक और है काफ़ी एक बिग डेटा प्रोसेसिंग के लिए बहुत ही फास्ट लैंग्वेज है तो वो चाहिए होती है. और एक कोई पहले क्या होता था टूल्स होते जो हमें कंप्यूटर पे इंस्टॉल करके फिर से खुद से करना होता था जैसे ये सारे टूल्स अलग अलग इंस्टॉल करके. हाँ, करना होता जैसे हडूप या स्पार्क. हाँ. इंस्टॉल करके अपने सिस्टम पे करना होता था लेकिन अब तो सब कुछ क्लाउड पे हो गया तो बहुत ही ईजी हो गया. जैसे GCP, AWS, Azure
तो इन सब का अपना अपना सर्विसेज है और ये सारी चीज़ें अब क्लाउड पे ही हो रही है, तो क्लाउड आजकल बहुत ज़्यादा डेटा इंजीनियर के लिए ज़रूरी है। ओके, तो बेसिकली क्लाउड की भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए। करेक्ट करेक्ट, राइट, हाँ परफेक्ट परफेक्ट। हमने तीनों प्रोफाइल के बारे में क्लियरली मेंशन कर लिया कि क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होती है। करेक्ट करेक्ट, ऑसम। तो ये आपकी थी विप्रो की जर्नी, राइट। विप्रो में आपने ये कब सोचा कि आपको स्विच करना चाहिए विप्रो से बाहर, क्योंकि आपने लगभग 4 साल यहाँ पर स्पेंड कर लिए, इंटरेस्टिंग काम भी था आपका, राइट। देन व्हाट वाज दैट इंसिडेंट जिससे आपने स्विच का सोचा? तो विप्रो में काफ़ी दिन काम करते हुए मुझे लगा कि अब लर्निंग सैचुरेट हो गई है और सैलरीज भी सैचुरेट हो गई है, तो फिर मैंने बाहर से देखना शुरू किया उसके बाद से, 4 साल के बाद से। ऑलराइट 3 महीने का नोटिस पीरियड भी सर्व किया होगा जाते जाते, है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। ठीक है, तो उसके बाद फिर आपने कहाँ स्विच किया, कौन सी कंपनी में? इसके बाद मैंने PwC में स्विच किया और मेरे पास एक और ऑफर था बजाज फाइनेंस का। ऑलराइट, तो आपने बताया कि जाते जाते आपका जो CTC था लगभग 6 हो चुका था, राइट। PwC में एंड बजाज में आपको कितना कितना CTC ऑफर किया गया, प्रोफाइल्स क्या क्या थी? दोनों में डेटा साइंटिस्ट प्रोफाइल थी, बजाज में मुझे 12 मिल रहा था, PwC में 10 मिल रहा था, बट मैंने PwC ज्वाइन किया, कम वाला ज्वाइन किया। इसका रीज़न क्या है? बजाज फाइनेंस में एक तो कोविड का टाइम था और वो ऑफिस से काम करने को बुला रहे थे और 6 days a week था। अच्छा, उनका। और PwC में तो वर्क फ्रॉम होम था और 5 days a week जो होता है स्टैंडर्ड। और दूसरा रीज़न ये भी था कि PwC एक बड़ा नाम था, बड़ा नाम है, नोन ब्रांड है। हाँ, नोन ब्रांड है और लर्निंग के टर्म्स में मुझे लगा कि काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा वहाँ पे। ऑलराइट, तो PwC का कैसा एक्सपीरियंस था? PwC का इन टर्म्स ऑफ लर्निंग काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला वहाँ पे, जैसे प्रेजेंटेशन स्किल्स, नेगोशिएशन स्किल्स। अरे वाह। और बट हाँ, एक डाउनसाइड था कि वहाँ पे हेक्टिक वर्क शेड्यूल था, काफ़ी हेक्टिक था। अच्छा अच्छा जी, सो वहाँ पर मतलब आपके ऊपर काम थोड़ा बर्डन ज़्यादा आ रहा था, राइट? जी, मेरे को 2 प्रोजेक्ट में मैं काम कर रहा था, एक ऑस्ट्रेलिया का प्रोजेक्ट था और एक US का प्रोजेक्ट था, तो सुबह 8 से रात के 12 बजे तक मुझे अवेलेबल होना। अच्छा, तो बेसिकली दोनों के, आप दोनों के क्लाइंट्स हैंडल कर रहे थे। हाँ। और इस वजह से टाइम जोन, बिकॉज डिफरेंट टाइम जोन्स हैं, करेक्ट, जैसे आपको वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते थे। जी, एंड मेक सेंस यार, मतलब वी कांट कॉम्प्रोमाइज हेल्थ ओवर वर्क, राइट? देयर इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल, कि देखो पैसा आ जाएगा, पैसे तो आ ही जाते हैं, इफ यू हैव स्किल्स नॉलेज देन मनी विल कम टू यू, बट द थिंग इज कि हेल्थ एक बार डिटोरिएट हो जाती है ना, तो उसको रिकवर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। हेल्थ शुड बी द प्रायोरिटी नंबर वन। सो आपने फिर वहाँ से स्विच करने का सोचा, राइट? कितने टाइम तक आपने काम किया वहाँ पर? मैंने 8 महीने काम किया। ऑलराइट, उसके बाद फिर अगेन आपने वही रिज्यूमे वगैरह, हाँ, लगाना स्टार्ट किए, एंड फिर किस कंपनी में स्विच किया? फिर BCG में स्विच किया। वैसे मेरे पास 5 ऑफर थे, पर लास्ट में BCG आया था, जब मैं एक्चुअली मैं EY ज्वाइन करने वाला था। अच्छा, लेकिन मैं जिस दिन मैं अपना लैपटॉप जमा करने गया था PwC में, उसी दिन BCG से कॉल आ गया और मेरा 1 हफ्ते के अंदर उन्होंने पूरा एकदम एक्सपेडिट कर दिया इंटरव्यू को और पूरा ऑफर लेटर दे दिया 1 हफ्ते के अंदर। ऑसम। और क्या प्रोफाइल थी? सीनियर डेटा साइंटिस्ट। तो यहाँ पर आपने एज अ सीनियर डेटा साइंटिस्ट स्विच कर लिया फ्रॉम डेटा साइंटिस्ट। हाँ, ऑसम। तो आपने 2 स्विच करे हैं, राइट? फ्रॉम अ सर्विस बेस्ड कंपनी टू अ कंसल्टिंग फर्म एंड फ्रॉम देयर टू बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप विच इज़ अ वेरी बिग कंपनी, राइट? वेरी बिग नेम। तो आपको इन दोनों स्विच में कुछ प्रॉब्लम आई? पहले स्विच में काफ़ी प्रॉब्लम आई थी जब मैं विप्रो से PwC कर रहा था, क्योंकि मुझे इतना सेंस नहीं था कि अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है इन आवर रिज्यूमे। हाँ, बेसिकली इंटरव्यू इज ऑल अबाउट सेलिंग योर सेल्फ, राइट? करेक्ट करेक्ट। सो आपको उस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं था, यू हैड टेक्निकल नॉलेज, करेक्ट, बट वो प्रेजेंटेशन स्किल्स मिसिंग थी फर्स्ट टाइम में। बिल्कुल। तो लाइक रिजेक्शंस हुए कुछ कुछ? काफ़ी, मैंने काफ़ी कंपनियों में अप्लाई किए पर कॉल ही नहीं आते थे। अच्छा, रिज्यूमे भी शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा था? हाँ, रिज्यूमे भी शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा। ऑलराइट, एंड ड्यूरिंग इंटरव्यूज क्या एक्सपीरियंस था? ड्यूरिंग इंटरव्यूज मतलब आ गए थे ऑफर, दो ऑफर तो आ गए थे इंटरव्यू करके, पर इंटरव्यू क्रैक करना इतना मुश्किल नहीं लगा जितना मुझे लगा कि रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट करना। बेसिकली यू आर नॉट एबल टू प्रेजेंट योरसेल्फ इन योर रिज्यूमे, राइट? करेक्ट करेक्ट, गॉट इट। और दूसरा चीज़ ना, एक ये भी होता है कि बिकॉज यू आर स्विचिंग फ्रॉम अ सर्विस कंपनी, तो कई बार ना लोग शॉर्टलिस्ट नहीं करते हैं। करेक्ट रिज्यूमेज को, एंड दिस इज लाइक हार्श रियलिटी, वो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो जस्ट इन केस यार, अगर आप लोग ट्राई कर रहे हैं स्विच करने का, एंड इफ यू आर इन अ सर्विस कंपनी, थोड़ा सा पेशेंस रखना, डेफिनेटली कहीं ना कहीं शॉर्टलिस्ट होगा। हाँ, ये है कि थोड़ा सा जो परसेंटेज है शॉर्टलिस्ट की वो थोड़ी सी कम हो जाती है। सो थोड़ा सा पेशेंस रखो और अप्लाई करो, जहाँ कर सकते हो वहाँ अप्लाई करो। राइट, ओके। सो वंस यू एंटर्ड इनटू PwC, वहाँ का आपको एक तो ब्रांड का थोड़ा सा नाम जो है वो मिल जाता है, एंड देन यू ऑल्सो इम्प्रूव अपॉन योर प्रेजेंटेशन स्किल्स, राइट? उसके बाद फिर अप्लाई किया, तो उसमें फिर आसानी हुई आपको? हाँ, उसके बाद काफ़ी शॉर्टलिस्ट हुआ मैं और ऑफर्स भी काफ़ी सारे आए। हाँ, 5 ऑफर्स आपने निकाले। जी, ऑसम। एंड आई होप ये वाला जो आपका स्विच होगा, इसमें आपको हाइक भी बहुत अच्छा मिला होगा। जी, हाइक भी काफ़ी मिला, more than 100%। ऑसम ऑसम, ठीक है।
तो अच्छा, यहाँ पर ना मुझे कुछ ऐसी चीज़ें बताइए जो आपसे यूजुअली इंटरव्यू में पूछी जाती थी. लाइक आपने काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ दिए है ना, दो इंटरव्यूज़ आपने विप्रो से स्विच करते हुए दिए, दो से ज़्यादा ही दिए होंगे, एंड देन यू गिव फ्यू मोर इंटरव्यूज व्हेन यू स्विचिंग फ्रॉम पीडब्ल्यूसी टू बीसीजी. सो कौन से कॉमन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यूज़ में? अगर मैं डेटा साइंटिस्ट के प्रोफाइल की बात करूँ तो स्टैटिस्टिकल क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे काई स्क्वायर टेस्ट क्या होता है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होती है, और डेटा को लेके क्वेश्चंस होते हैं, डेटा प्री प्रोसेसिंग के लिए क्वेश्चंस होते हैं कि फीचर इंजीनियरिंग कैसे करते हैं, मशीन लर्निंग से क्वेश्चंस होते हैं, बायस वेरियंस, आप कोई भी मॉडल जिस पर आपने काम किया है उस पर इनडेप्थ पूछते हैं और देखते हैं कि आपके यहाँ मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग है या नहीं. तो मेरे साथ एक प्रॉब्लम हुई थी जब मैं स्टार्टिंग में विप्रो में काम करता था, तो मैं एग्जीक्यूशन करने लगा था, काफ़ी ज़्यादा सारे एल्गोरिदम्स लगाता था. तो वहाँ पे जो हमारी टीम थी एडवांस एनालिटिक्स लैब की, वो सारे के सारे आईएसआई के बंदे थे, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के बंदे थे, जो कि एशिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है स्टैटिस्टिक्स के लिए. तो वहाँ मैं करता तो सब कुछ था लेकिन मुझे मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं थी. हाँ, तो मतलब बेसिकली वही चीज़ हो गई कि मतलब हम मॉडल यूज़ कर रहे हैं क्योंकि मॉडल तो प्रीडिफाइंड है. हाँ, प्रीडिफाइंड है, यू आर जस्ट यूजिंग अ फंक्शन. करेक्ट. बट आपको फंक्शन काम कैसे कर रहा है उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग नहीं है. Correct. और यही चीज़ इंटरव्यूज में ज़्यादा पूछी जाती है. करेक्ट करेक्ट. और मतलब वो इतने मतलब एक्सपीरियंस बंदे थे कि वो डेटा देख के बताते थे इस पे कौन सा एल्गोरिथम सबसे अच्छा रिजल्ट देगा, और वो रियल में देता था, इतना उनका इंट्यूशन हो गया था. तो उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प करी कि कैसे इंटरव्यूज़ के में मैं अपना स्किल डेवलप करूं, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मैथमेटिकली क्या क्या पढ़ना है इसके लिए, और उस समय इतना मटेरियल भी अवेलेबल नहीं था. तो अच्छा. ये सब क्वेश्चंस का मैंने फिर किताब उन्होंने कुछ रिकमेंड करा, उस समय बुक्स ही होती थी, मैं PDF डाउनलोड करके फिर पढ़ता था. गॉट इट. सो हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस एट BCG नाउ? BCG के साथ तो काम करना वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस है. मतलब इतने सारे ही बंदे इतने ज़्यादा स्किल्ड और इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस हैं वहाँ पे, और जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो भी हम जो डिलीवर करते हैं प्रोजेक्ट्स, वो भी काफ़ी क्वालिटी डिलीवरी होती है. मतलब बिल्कुल भी उसमें सेंसिटिविटी बिल्कुल भी नहीं होती, और थोड़ा सा भी हम डिफ्लेक्शन उसको हम नहीं देख सकते. क्वालिटी वाइज इट्स वेरी टॉप नॉच. तो लर्निंग भी बहुत अच्छी होती है. लर्निंग भी बहुत अच्छी है. तो हम राइट नाउ जो काम करते हैं वो मोस्टली है, और अपार्ट फ्रॉम जस्ट हम पहले मॉडल बिल्ड करते थे, अब तो हमारा काम है कि पूरा का पूरा प्रोडक्ट बिल्ड करना. अच्छा. एंड टू एंड प्रोडक्ट. तो ये काफ़ी टॉप नॉच काम है. और भी जैसे ऑप्टिमाइजेशन और ऑपरेशनल रिसर्च रिलेटेड काम होते हैं जो एडवांस डेटा साइंस में आता है, तो वो सब भी काम काफ़ी होता है. ऑसम. तो देख रहे हो आप लोग डेटा की प्रोफाइल्स में भी स्विच अराउंड कर सकते हो. तो आशुतोष ने तो एज अ टेस्टर स्टार्ट किया था, राइट? सो टेस्टिंग से फिर डेटा की प्रोफाइल में आया. एज अ फ्रेशर ऑल्सो यू कैन एंटर इन टू दिस प्रोफाइल. बाकी मुझे पता है आप लोगों का एक क्वेश्चन और होगा कि अभी रिसेशन का टाइम चल रहा है, राइट? तो बहुत सारी कंपनीज में ले ऑफ किए जा रहे हैं. इस टाइम पे डेटा की जो प्रोफाइल्स हैं उनका क्या स्कोप है? ले ऑफ तो हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ हमारा जो डेटा का जो सिनेरियो है वो भी बढ़ रहा है. सारी कंपनियां डेटा को चाहती है अब कि हम अपना डेटा से रिलेटेड काम करें, इन्फ्रेंसेस निकालें ताकि प्रोसेस उनका ऑप्टिमाइज हो, कॉस्ट कटिंग हो. तो मैं तो ये देख रहा हूँ कि डेटा की प्रोफाइल्स में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है. अच्छा. और ये बढ़ती जा रही है, और एक पर्टिकुलर ट्रेंड मेरे को डेटा इंजीनियर्स के पोजीशन पे लगा है कि काफ़ी ज़्यादा उसमें इंक्रीज हुआ है. अच्छा. डेटा इंजीनियर्स के प्रोफाइल में. अच्छा. हाँ. ओके. सो आई होप आपको पॉडकास्ट पसंद आई होगी. बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी इस पॉडकास्ट में. और जस्ट इन केस अगर आपको आशुतोष से कनेक्ट होना है, मैंने आशुतोष का जो लिंक्डइन है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया, यू कैन गो एंड चेक इट आउट. वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना चाहते जाते. और आपको और पॉडकास्ट चाहिए, बी इट ऑन डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिटिक्स और एनी फील्ड, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. हम लोग आपसे मिलते हैं दूसरी पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय.